दोस्तों द कपिल शर्मा शो के फैंस के लिए लेकर आया हूँ एक सैड न्यूज़, और वो न्यूज़ ये है कि द कपिल शर्मा शो बहुत जल्द ऑफ एयर होने जा रहा है। सलमान खान ने ये डिसीजन लिया है कि कपिल शर्मा शो को कुछ समय तक बंद रखने के लिए, और इसका कारण है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की आतंक से पूरी दुनिया में ही तहलका मच चुका है, और अब इसका असर सीधे सीधे बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी रियलिटी शो पर भी पड़ चुका है, और इसी वजह से अब द कपिल शर्मा शो बंद होने जा रहा है। सलमान खान का सोचना ये है कि हर इंसान की जिंदगी सबसे बड़ी है, और पहले हमें खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। खुद की सेफ्टी ही सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए जब कोरोना वायरस के आतंक से सभी इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन पर है, सभी लोगों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सलमान खान ने कुछ समय के लिए कपिल शर्मा शो को बंद रखने का फैसला लिया है। पहले हर इंसान को सुरक्षित रहना जरूरी है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना वायरस का तहलका पूरी दुनिया से जब चला जाएगा, जब सब कुछ ठीक ठाक पहले जैसा हो जाएगा, तभी द कपिल शर्मा शो वापस ओपन कर देंगे सलमान खान। वैसे कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे नए फिल्मों की शूटिंग जो हाल ही में चालू हुई थी, उन सभी शूटिंग को अब बंद कर दिया गया है। बहुत सारे फिल्मों की रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया है, तो पूरी तरीके से कोरोना वायरस का असर बॉलीवुड पर बहुत गहरा हो चुका है, और अब हमें सुरक्षित रहना है। सब कुछ पहले जैसा होने तक हमें बहुत ही सेफ और सावधानी से रहना होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सलमान खान ने द कपिल शर्मा शो बंद करने का डिसीजन सही लिया या गलत, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।